तो स्वागत भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो यूरोपियन क्रिकेट टी10 लीग यानी कि ईसीएल टी10 लीग का आज के दिन का दूसरा मैच और टूर्नामेंट का 17वां मैच खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा यहाँ पर प्रयाग सीसी किंग्स वर्सेज जेंटेबर्न जाफेर के बीच में। तो भाई इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो भाई वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप कंप्लीट देख लेना, ईजिली भाई आप काफ़ी अच्छी जैकपॉट विनिंग यहां पर कर जाओगे, ठीक है। तो वीडियो को आप कंप्लीट अगर देखते हो ना तो इससे आपको सारे प्लेयर्स के स्टैट्स मिल जाएंगे, सारी चीजें आपके लिए क्लियर होती चली जाएंगी। तो चलिए भाई अब बात करते हैं स्टैट्स के बारे में, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। डेट एंड टाइमिंग की बात करेंगे तो भाई 24 तारीख यानी कि आज ये मैच खेला जाएगा दोपहर को 1:30 पर, 1:15 ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे बाद भाई ये मैच खेला जाएगा। वेन्यू की बात करें तो भाई कार्टमा ओवल कार्टमा स्पेन में यह मैच खेला जाना है। वहीं अगर बात करें पिच की तो न्यूट्रल विकेट भाई यहां पर बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए इक्वली हेल्प होने वाली है, तो यहां पर जो भी टीम अच्छा खेलेगी ना वो यहां पर भाई विन करने वाली है। वहीं अगर बात करें यहां पर वेन्यू के रिकॉर्ड्स की, जो इस सीजन में रहे 63 मैचेस भाई यहां पर खेले गए, आप देखो यहां पर 63 मैचेस में से आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। 32 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते और 31 मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने जीते हैं। तो यहां पर इससे क्या क्लियर होता है कि भाई टॉस का इतना बड़ा रोल यहां पर नहीं होने वाला, जो भी टीम यहां पर अच्छा खेलेगी ना इजिली भाई वही विन करने वाली है। और भाई अगर बात करें दोनों टीम्स की तो यहां पर जो प्रयाग सीसी किंग्स है ना ये काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है जेंटीबर्नो जाफेर के अगेंस्ट में। तो जैसे मान लो इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच है, नीदरलैंड का मैच है, वो मान सकते हो आप, ठीक है। बट अगर मान लो क्रिकेट भाई अनप्रिडिक्टेबल है, होने को कुछ भी हो सकता है, हो सकता है भाई यहाँ पर मतलब कुछ उलट फेर देखने को मिल जाए, लेकिन भाई 80 से 90% चांसेज आप मान सकते हो कि इस मैच में भाई प्रयाग सीसी किंग्स के विनिंग के। तो हम 7-4 का रेशियो लेके चलेंगे किसके फेवर में, भाई प्रयाग किंग्स के फेवर में, ठीक है। यहाँ पर अभी स्टैट्स तो आपको और भी सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। एवरेज स्कोर की बात करें तो भाई यहां पर आप देख सकते हो 87-110 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। अगर प्रयाग सीसी किंग्स पहले बैटिंग करती है तो भाई 150 से ज्यादा का भी स्कोर देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई सामने वाली टीम काफी ज्यादा वीक है। वेदर की बात करें तो पार्शियली क्लाउडी रहेगा, बट बारिश के चांसेस यहां पर नहीं है। वहीं अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो भाई टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो मैं आपको डेमो टीम देने वाला हूं अगर उसमें कुछ भी चेंजमेंट होता है तो उसके अपडेट भाई टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, तो अभी के अभी जाइए भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर भाई बाय चांस लिंक वर्क ना करे तो आप ये सर्च कर सकते हो @KPMFantasyExpert। अब चलिए भाई बात करते हैं यहां पर दोनों टीम्स के स्टैट्स की। तो सबसे पहले भाई बात करेंगे यहां पर प्रयाग किंग्स की टीम की, तो सुदेश विक्रमसेकारा की बात करेंगे भाई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गजब का प्लेयर है। 17 मैच में भाई यहाँ पर 509 रन है और 2 विकेट कंप्लीट 2 ओवर ये आपको करवाता नजर आएगा। केयूर मेहता की बात करें तो भाई 11 मैच में 10 विकेट है यहाँ पर, भाई आप देख सकते हो 11 मैच में 10 विकेट का मतलब ये है कि यहाँ पर देखो क्लियर सी बात मैं आपको बताता हूँ, केयूर मेहता को देखो बॉलिंग मिल नहीं रही, अदरवाइज प्लेयर काफ़ी अच्छा है, तो जीएल मिनी जीएल के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्मॉलिंग में आप ड्रॉप करके चल सकते हो। अब चलिए भाई यहाँ पर बात कर लेते हैं अली गोराया की। तो अली गोराया लगातार भाई 2 ओवर कर रहा है जिस मैच में खेल रहा है, 2 ओवर या बॉलिंग तो कर रहा है भाई 2 ओवर ऑलमोस्ट हर मैच में, या फिर कभी कभी 1 ओवर भी कर रहा है, ठीक है। 12 मैच में 10 विकेट है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। अगर पहले बॉलिंग करती है, पहले बॉलिंग या सेकंड बॉलिंग इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है इस मैच में अली गोराया। समीर मधुरंगा भी भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, 16 मैच में 9 विकेट निकाल चुका है। हिलाल अहमद की भाई मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट दूंगा, क्योंकि अगर ये ओपनिंग करता है तो भाई हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से एक रहेगा, और अगर ये ओपनिंग नहीं करता है तो फिर तो भाई हम इसको ट्राई नहीं करने वाले, ठीक है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर कुशल मेंडन की, तो यहाँ पर भाई आप देख सकते हो 16 मैच में 193 रन और 7 विकेट है, स्टैट्स काफ़ी अच्छे, लेकिन भाई खेलने का मौका अभी ने नहीं मिल रहा। अरुण अशोकान जो टीम का कैप्टन है भाई बहुत ही ज़्यादा गजब का प्लेयर है, यहाँ पर 13 मैच में देख सकते हो 243 रन और 3 विकेट है। शरण रामकृष्ण की बात करें तो भाई इतनी अच्छी अभी टूर्नामेंट में कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं आई है, 11 मैच में 249 रन है, 7 विकेट है, लेकिन जो ये स्टैट्स है भाई जो अभी इनकी परफॉर्मेंस चल रही है उसको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहे। तो अभी के लिए भाई आप इसे सिर्फ जीएल मिनी जीएल में ट्राई करना, ओपनिंग भी कर सकता है, 1 डाउन 2 डाउन आपको खेलता नजर आने वाला है, ठीक है। लक्ष्मी नारायण सेल्वन की बात करें तो 6 मैच में 3 विकेट निकाल रखे, 51 रन भी बनाए हैं, हर मैच में बोलिंग मिल रही है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। रोहित देश मोहिनी की बात करें तो भाई अभी खेल नहीं रहा, खेलता है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। जोसेफ जॉनसन की बात करें तो स्टार्टिंग के 2-3 मैच खेले थे, अच्छी विकेट भी निकाली थी, लेकिन उसके बाद भाई ड्रॉप है टीम से, अभी अगर खेलेगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। वहीं अगर बात करें जेटीबी की प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस प्लेयर्स के स्टैट्स की, तो यहां पर आप देख सकते हो अहमद दुरशेख 4 मैच खेले 4 रन। वहीं अगर बात करें
उलू तुना तुनाहन की तो आप देख सकते हो, 3 मैच में 4 रन इन्होंने बनाए। महमत ओनर सेरेट की बात करें तो 4 मैच में 42 रन 3 विकेट निकाले। अहमद एलैच की बात करें तो भाई 2 मैच में 62 रन 1 विकेट। भाई यहाँ से देखो आपको सिर्फ 4 प्लेयर चूज करने और वो कौन कौन से वो मैं आपको बता दूंगा। कलंदर अब्बास के भाई रिकॉर्ड हमारे पास है नहीं, अगर होते तो मैं आपको प्रोवाइड करवा देता और अगर मेरे को मिलेंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे दूंगा। वहीं अगर बात करें यहाँ पर तुनाहन तुरंत की तो 4 मैच में 2 विकेट इन्होंने निकाले। गोखान अल्टा की बात करें तो 4 मैच में 13 विकेट है, इनका T20 का रिकॉर्ड है। अभी इस सीजन में काफी कुछ भी मतलब बिल्कुल भी कमाल यहां पर नहीं किया है। सेमी ऑब्जेक्ट की बात करें तो भाई इनके यहां पर पुराने स्टैट्स मेरे को मिले नहीं इस मैच मतलब इस सीजन में, 4 मैच में 10 रन बनाए तो ठीक ठाक ही प्लेयर रहे, ज्यादा कुछ अच्छे प्लेयर आपके लिए नहीं रहने वाले। खुर्रम कलंदर अगर खेलते तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर रहेंगे, 10 मैच में 20 विकेट और भाई 227 रन है। अभी नया प्लेयर स्क्वाड में एड हुआ है तो भाई हो सकता है इसको खिला दे, तो अगर खेलता है तो भाई काफी इंपोर्टेंट प्लेयर आपके लिए होने वाला है। राशिद मुल्ला ज्यादा की बात करें तो 16 मैच में 112 रन, ये भी आपके लिए ठीक ठाक प्लेयर रहेंगे, इनको भी आप ट्राई कर सकते हो। अली कैटन की बात करें तो भाई इन्होंने भी कुछ खास परफॉर्मेंस अभी तक इस टूर्नामेंट में की नहीं है। अब चलिए भाई दोनों टीम्स के एक बार लास्ट मैचेस की परफॉर्मेंस देख लेते हैं, जहां से भाई हमें थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि कौन सी टीम के कौन से प्लेयर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उस हिसाब से भाई हम अपनी टीम बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें अभी मैं आपको बता देता हूं। एक बार भाई मैं आपको एक बार इनके दोनों टीम्स के लास्ट मैचेस की परफॉर्मेंस यहां पर दिखा देता हूं, जिससे भाई आपको काफी सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो चलिए भाई यहां पर एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भाई बात करेंगे सबसे पहले पीसीके की टीम की, तो पीसीके की टीम की बात करें तो भाई आप देख सकते हो यहाँ पर लास्ट मैच भाई अपना हार के आ रहे हैं अगेंस्ट में ब्रेस्किया के। तो यहाँ पर भाई पहले बैटिंग की बात करेंगे फिर बॉलिंग की बात करेंगे। तो बैटिंग की बात करें तो भाई हिलाल अहमद ओपनिंग कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 5 रन बनाए। अगर ओपनिंग करेगा तो अगेन इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर देखो इनके जो टॉप 3 है ना, ये आपके लिए स्मॉल लीग में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और अगर जीएल की बात करें तो आपके लिए भाई शरण रामकृष्ण बहुत ही बड़ी डिफरेंशियल पिक हो सकता है। और सीवीसी ट्राई करोगे और अगर भाई टॉप ऑर्डर में खेल गए तो भाई मेरे हिसाब से गजब कर देगा, ठीक है। मतलब इस टीम के अगेंस्ट में अगर टॉप ऑर्डर में खिला दिया ना तो भाई गजब करने ही करने वाला है मेरे हिसाब से। तो यहां पर आप देख सकते हो सुदेश विक्रमासेकारा ने 49 रन बनाए, 98 रन बनाए सॉरी 48 रन बनाए भाई यहां पर अरुण अशोकान ने, यहां पर शरण रामकृष्ण ने 1 रन बनाया, लक्ष्मीनारायण सेल्वन ने 1 रन बनाया, ईसुदिता उडुगाले ने यहां पर भाई 3 रन बनाए, जहांगीर वानी ने यहां पर भाई सिर्फ 2 रन बनाए। अब इनकी बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो भाई बॉलिंग में यहां पर अगर बात करेंगे तो सुदेश विक्रमा सेकारा ने 2 ओवर निकाले, समीर मधुरंग 2 विकेट निकाले 2 ओवर में, समीर मधुरंगा ने भाई 2 ओवर में 1 विकेट निकाला, लक्ष्मी नारायण सेल्वन देखो 2 ओवर डाल रहा है पर भाई लास्ट मैच में 1 विकेट नहीं मिला। इसके अलावा यहां पर नवीन पद्मराजू खेला था और नवीन पद्मराजू भाई एक गजब का प्लेयर, अगर खेलता है तो इंपॉर्टेंट रहेगा, 1 विकेट इन्होंने भी निकाला। अरुण अशोकान ने 1 ओवर डाला विकेटलेस रहे, अली गोराया भाई यहां पर 1 ओवर डाला विकेटलेस रहे। अब यहां पर मैं क्यों बोल रहा हूं आपके लिए प्लेयर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यहां से भाई सुदेश विक्रमसेकारा अरुण अशोकान दोनों भाई 2-2 ओवर भी आपको डाल के देंगे। इनके जो टॉप 5 में प्लेयर है ना, उनमें से 3 प्लेयर ऐसे जो 2-2 ओवर कंप्लीट डाल रहे हैं और भाई बैटिंग भी टॉप 5 में कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये प्लेयर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अब चलिए भाई बात कर लेते हैं जो सामने टीम है जेड टीबी की, तो यहां पर भाई इनकी तो परफॉर्मेंस क्या ही बताऊं मैं इनके, भाई एक बार सारे मैचेस के आप मतलब रन और जो इनके स्कोर है वो देख लो। सामने वाली टीम अगर पहले बैटिंग कर रही है तो भाई इनको बुरी तरीके से मार रही है, अगर ये पहले कर रहे हैं तो भाई यहां पर आप रिजल्ट देख सकते हो, पहले 22 रन पर ऑल आउट हो गए और सामने वाली टीम ने 2 ओवर में मैच विन कर लिया। इससे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर भाई सामने वाली टीम ने 187 लगा दिए और फिर ये भाई आके 26 रन पर ऑल आउट हो गए, ठीक है 25 रन पर भाई यहाँ पर ये ऑल आउट हो गए, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। अब इससे पहले वाले मैच में चलते हैं तो यहाँ पर भाई आप देखो सामने मतलब पहले बैटिंग की 37 रन बनाए 10 ओवर में, तो सामने वाली टीम ने 2 ओवर में अगेन मैच खत्म कर दिया। उससे पहले भाई बात करें तो यहाँ पर भाई आप देख सकते हो तो यहाँ पर भाई 55 रन बनाए और सामने वाली टीम ने 4 ओवर में मैच खत्म कर दिया। तो आप देख रहे हो मतलब बहुत ही बुरी हालत इनकी चल रही है, तो इनके बारे में भाई ज्यादा बात करके कोई फायदा नहीं है। बाकी फिर भी अगर आप कुछ देखना चाहो, अब यहाँ पर भाई आप बोलोगे कि यार कार्तिक भाई ये क्या स्टेट्स आप दिखा रहे हो, ऐसे कौन स्टेट्स दिखाते हैं, तो यहाँ पर भाई आप देखो 4 मैच में 4 रन 3 मैच में 4 रन, भाई जब रन बनाएगा ही नहीं तो मैं दिखाऊं कहां से यार। अब आप देखो 22 रन पर कोई टीम ऑल आउट होगी तो भाई उसका क्या ही हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर भाई एक बार मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर भाई आप देखो 1 रन बनाया, 0 रन 0 रन 3 रन बनाए अहमद दुर्सक ने, दाऊद सुर्खी ने 0 रन, अभिषेक ने 2 रन, 8 रन मैक्टिक जरगार ने बनाए। इसके अलावा फिर भाई किसी ने कुछ नहीं किया, मतलब भाई क्या ही करें, अब बताओ क्या ही करें। सामने वाली टीम का 1 विकेट गिरा था, यहाँ पर भाई 1 विकेट अभिषेक ने निकाला, ठीक है, और ये भी भाई पता नहीं कैसे निकाल लिया। अदरवाइज भाई यहाँ पर ऑलमोस्ट हर मैच में क्या हुआ इनके साथ, अगर कोई ये पहले बैटिंग कर रहे हैं ना तो सामने वाली टीम 10 विकेट से ही मैच विन कर रही है, ठीक है। तो ये भाई अभी अभी तक घटता है और अब देखते भाई क्या
होता है क्या नहीं होता। तो चलिए भाई अब बात कर लेते हैं सीधी डेमो टीम की। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल और क्लियर कर दी है। अब यहाँ पर भाई सिर्फ डेमो टीम की बात करनी बची हुई है, तो डेमो टीम की बात अब यहाँ से कर लेते हैं। तो एक मिनट भाई ड्रीम इलेवन थोड़ा ओपन हो जाए, उसके बाद भाई बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भाई अब डेमो टीम मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन में हिलाल अहमद हमारी टीम में रहेगा। एम ओनर सरट को आप ट्राई कर सकते हो, एक ठीक ठाक ऑप्शन आपके लिए होगा। यहाँ से भाई अरुण अशोकान को आप ट्राई कर सकते हो, सुदेश रामकृष्ण को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ से एस ऑब्जेक्ट को मैं ट्राई कर रहा हूँ और यहाँ से भाई ए दुरसेक को मैं ट्राई कर रहा हूँ। आप अगर चाहो तो सुदेश रामकृष्ण को ट्राई कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। यहाँ पर सुदेश विक्रमासेकारा इंपॉर्टेंट रहेगा, एम जारकर इंपॉर्टेंट रहेगा, अभिषेक इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा भाई और तो मेरे को यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ से नजर आ नहीं रहा। नवीन पद्मराजू को आप ट्राई कर सकते हो, बेहतरीन प्लेयर यहाँ पर होने वाला है। समीर मधुरंगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके अलावा अली हसन सत्तार इंपॉर्टेंट रहेगा, और यहाँ से अगर बात करें तो लक्ष्मी नारायण सहलवन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो लक्ष्मी नारायण सहलवन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा भाई यहाँ पर और एक प्लेयर और था, कहाँ पे गया, ऑलमोस्ट भाई देखो सारे बॉलर हमने इनके कवर कर लिए। यहाँ पर दो ओवर यहाँ से डालेंगे और दो ओवर सुदेश विक्रमासेकारा, दो ओवर यहाँ से नवीन पद्मराजू डाल सकते हैं और बाकी बचे हुए ओवर भाई यहाँ पर नीचे डाल देंगे। तो ऑलमोस्ट इनके सारे बैट्समैन सारे बॉलर हमने कवर कर लिए। एक यहाँ पर मैंने छोटा सा रिस्क लिया है, सुदेश रामकृष्ण अगर चल गए तो भाई फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप सेफ जाना चाहो ना तो आप एदुरसेक की जगह पर सुदेश रामकृष्ण को ट्राई कर सकते हो। फिर आप क्या करो कि यहाँ पर ड्रॉप किसको करो भाई, आप यहाँ पर लक्ष्मीनारायण सहलवन को ड्रॉप करके गोखन अल्टा को ले लो और यहाँ भाई आप सुदेश रामकृष्ण को फिर ट्राई कर सकते हो। बट अभी के लिए भाई मैं यहां से ले रहा हूं ए दुरसेक को और यहाँ से भाई मैं ड्रॉप कर रहा हूँ गोखन अल्टा को और यहाँ से भाई लक्ष्मी नारायण सेलवन को मैं अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूँ। कैप्टन भाई यहाँ पर रहेंगे सुदेश रामकृष्ण और वीसी भाई यहाँ पर रहेंगे अरुण अशोकान। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप ऐसे समीर मधुरंगा को भी ट्राई कर सकते हो, बट यहाँ पर भाई मैं अभी के लिए अरुण अशोकान के साथ जा रहा हूँ। बाकी फाइनल टीम में मैं फाइनल वीसी आपको अपडेट करके दे दूंगा। अभी के लिए भाई यही मेरी टीम होने वाली है। अगर इसमें कुछ अपडेट होता है, कुछ चेंजमेंट होता है, तो उसकी अपडेट टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। साथ ही साथ भाई चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के साथ साथ अगर अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहां पर भी भाई आपके लिए काफी सारी मतलब ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है जहां पर भाई आप इजीली सारे मैचेस की प्रिडिक्शन देख सकते हो और एक तरफा विनिंग यहां पर कर सकते हो। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।